Hey guys, what's up? Welcome back to another Let's Talk video. And today actually ये मेरा स्टोर रूम है और मैं अभी बाहर से आई थी तो मम्मा ने बोला कि कपड़े सुखा दो, तो फिर मुझे एक लेट्स टॉक भी रिकॉर्ड करना था. तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट डू इट हियर नाउ. कपड़े सुखाते सुखाते आप लोगों से बात भी हो जाएगी. तो जो चीज़ थी मेरे मन में चल रही थी इस हफ्ते के लिए वो थी हैप्पीनेस. सी क्या होता है कि एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू अग्री टू दिस. हम लोग ना बहुत बार अपनी खुद की हैप्पीनेस ब्लॉक कर देते हैं बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों से. ठीक है, मतलब मैं खुद अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैं खुद इतना ज़्यादा उन चीज़ों में फंसी रहती हूँ ना, जो चीज़ें जिन चीज़ों से मुझे दिक्कत है, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद, कि यू नो वट एवर्स रॉन्ग विद आर लाइफ ना, हम उसी पर फोकस होकर रह जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कितना कुछ है इस वर्ल्ड को देने को. ठीक है, या फिर हमारे पास कितना कुछ है इस वर्ल्ड से लेने को, सीखने को, एब्जॉर्ब करने को और ग्रो होने को उन चीज़ों को लेकर. ठीक है, एंड आई गेस जब तुम ये बात समझ जाते हो ना कि लिटरली में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, एवरीथिंग इज़ ग्रे, तब तुम उस पॉइंट से काफ़ी आगे निकल जाते हो. जब होता नहीं है कि यार यू नो वॉट आई हेट माई लाइफ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. एंड अब जैसे कि कॉलेजेस खुल गए हैं तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं यार कॉलेज आने का मन ही नहीं करता. मेरा खुद भी नहीं करता. मैं खुद बहुत बार मतलब ऐसे होता है कि अगर मैं 3 दिन कॉन्टिन्यूसली गई हूँ तो 4th दिन मेरा होगा भाई मैं क्यों जा रही हूँ, ना क्लासेस में कुछ समझ आना है ना वो ना कुछ. बस ये होता है कि भाई अटेंडेंस मिल रही है चले जाते हैं, यार अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी वो भी हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं मिल रही तो यार नहीं जाते. ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है जाके या कुछ भी. ठीक है, एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड की बजाय हमारे दिमाग में बस ये आता है कि क्या क्या खराब हो रहा है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि हम लोग ना देखना स्टार्ट करें कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, हम क्या क्या और वो बहुत बेसिक सी चीज़ें होंगी, तुम्हें पता है वो बहुत छोटी सी चीज़ें होंगी. मेरे पास ये प्यारे से कपड़े हैं पहनने को, मेरा दिन बन जाएगा अगर मैं इस छोटे से फैक्ट को अपने दिमाग में डाल लूँगी कि यार यू नो व्हाट आज सुबह जब मैं उठी तो मैं खाना खा पाई, मैंने अपने फेवरेट आलू के पराठे खाए. ऑल्दो मैं आलू के पराठे खा के बोर हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे घर में हर रोज़ सुबह आलू के पराठे बन रहे होते हैं. मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा कोई सब्जी बनाओ, बट वो छोटे भाई की वजह से बनाना पड़ता है. ठीक है, हाँ तो समझ गए ना व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे हियर कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑल द रॉन्ग्स इन योर लाइफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग फोकस कि क्या क्या अच्छा हो रहा है, इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो जो जो तुम्हें मिल रही है, जो जो तुम्हें मिलती है बट हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं और उनको कर देते हैं कि ठीक है फॉर ग्रांटेड. बेसिक चीज़ों को हमने इतना फॉर ग्रांटेड ले रखा है ना आजकल कि अगर हमारे साथ तो कुछ हम वेट करेंगे कि कब कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ा एकदम बहुत ज़्यादा ओ माय गॉड वो वाली चीज़ हो जाएगी ना तभी हम जाके खुश होंगे. ऐसे मत करो क्योंकि कभी भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. वो बहुत ज़्यादा बड़ा पता है क्या होती है, वो उन छोटी छोटी चीज़ों से आती है. ठीक है, और अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हो तो तुम्हें उस बहुत बड़े ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खुश होने के लिए. वो जब आएगा ना तुम बैलेंस्ड स्टेट में रहोगे. ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ये ना बहुत ज़्यादा ये, तुम्हारी लाइफ में एक बैलेंस रहेगा और आई गेस वही चाहिए आजकल हम सबको. माय गॉड यहाँ पर तो तैयार आ चुका है. I'll see you guys in the next one. I'll see you guys in the next vlog. If you haven't subscribed yet, क्या कर रहे हो यार? Subscribe करो, अपने दोस्तों को भी बोलो. Bye. Take care.